चीन पर इन तस्वीरों पर भी आपका कमेंट, और उसके बाद चीन का सामने आना, विदेश मंत्रालय का क्यों? नहीं, ये तो अच्छा हुआ हम थोड़े से लेट हो गए इसमें, क्योंकि दूसरे देशों ने हफ्ता 10 दिन पहले कह दिया था, एडवाइजरी दे दी थी कि आप चले जाए। मेरे ख्याल हिंदुस्तान उस टाइम शायद ये सोच रहा था अगर हम जल्दी से कहते स्टूडेंट आ जाओ तो रूस को शायद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका ये अंदाजा होता कि रूस अटैक करने वाला है। रूस ने तो अटैक किया नहीं था उस टाइम। सो थोड़ा सा हमें दोस्ती करके थोड़ा सा लेट करना पड़ा। और अभी मैं पढ़ रहा था कि रूस की फौज ने कह दिया है कि कीव को उन्होंने पूरा घेर लिया है, उसका रास्ता जो पश्चिम की तरफ जा रहा था वो बंद हो गया है। सो कैपिटल तो पूरा का पूरा घिर गया है। अब ये बच्चे जो आ रहे हैं जो रोमेनिया के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे जो दूर से आ रहे हैं मैं नहीं चाहूंगा कि वो सारे कोशिश करें आने की, क्योंकि अभी युद्ध का माहौल है और उसमें ये ना हो कोई बस वगैरह में आ रहे हों, कहीं पे कोई मिसाइल लग जाए, कुछ लग जाए। भारत को यही कहना चाहिए कि आप अभी रुक जाइए, अब जहां बैठे हैं वहां बैठे रहो, जो आ गए हैं बॉर्डर पे उनको तो निकालेंगे ही हम, लेकिन जो थोड़े दूर हैं वहां से आने की कोशिश ना करें। अब चीन की बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पुतिन साहब ने जो कहा है, लैवरोफ उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, वो तो शर्त के साथ है, आप हथियार गिराओ तो हम बातचीत करेंगे। क्या चीन ये मांग रहा है कि हथियार गिराओ, या चीन कह रहा है कि बातचीत करो? ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ये शर्त नहीं जोड़ी अपनी बात के साथ। दूसरी बात, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि पश्चिमी देश भी देख रहे होंगे कि ये बात कहाँ जा रही है। रूस चाहेगा कि जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, जब सत्ता बदले उसमें ऐसे लगे कि लेजिटिमेट है, कि जो पुराना राष्ट्रपति था खुद ही निकला है, दस्तखत करके निकला है, ताकि जो अगला राष्ट्रपति जिसको रूस थोपेगा उसको सारे देश मंजूर कर ले, लेजिटिमेट कहे, तालिबान जैसा ना हो कि वो अपना राष्ट्रपति लगा दें जिससे आप कोई बात ना करें, बात ना करें। पश्चिमी देश अगर आप देखो वो शांत हैं, वो चुप हैं, वो इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि इनको गेम खेलने दो, क्या खेल रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है अगर राष्ट्रपति यूक्रेन के बाहर आ गए तो एक सरकार उन्होंने एग्जाइल में एक सरकार बना ली बाहर निकल के, फिर जो नई सरकार बनेगी उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसको पहचानेंगे नहीं दूसरे देश।